जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सद्दाम वारिस वारसी एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का साइंस 7 क्लास का चैप्टर 18। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ऑप्शनल है। सही प्रश्न की उत्तर दीजिए। रक्त जंतुओं में किस भाग में प्रवाहित होता है? रक्त वाहिनियों में। एक नंबर हो जाएगा। रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। आगे बढ़ते हैं। रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणु को नष्ट करते हैं, WBC। WBC। रक्त का थक्का बनना किस कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण। किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी होगा। 3 नंबर, प्लेटलेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिछाव की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है कितना बार? 72 बार। नीचे आंसर दिया हुआ है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, देखिए करा है। वे रक्त वाहिनियां जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भाग में ले जाती है, क्या कहलाती है? धमनी। क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। कोई दिक्कत? दूसरा देखते हैं। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर से सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, क्या कहलाती है? सीरा। क्या कहलाती है? सीरा। ठीक है, सीरा बढ़ा दिया गया। यहाँ डॉक्टर दिल की धड़कनों को मापने के लिए यहाँ क्या बनाएगा? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ठीक है, नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। यहाँ उत्सर्जन बनाएगा। ठीक है, हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। सही उत्तर के सामने सही का निशान, गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। ठीक है, हमारा हृदय 4 कक्ष में बटा हुआ है, बिल्कुल सही है। गुर्दे की आकृति गेंद जैसी होती है, गलत है। स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। धमनियां ऑक्सीजन ऑक्सीजन समृद्ध होती है, बिल्कुल सही बात है। सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड विहीन होती है, ये गलत बात है। आगे बढ़ते हैं मिलान करने के लिए। मिलान करने के लिए यहीं से देख लेते हैं। पहला का अंग होगा, दूसरा का क होगा, तीसरा का घ होगा, चौथा का ख होगा और पांचवा का ग होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्न धमनी किसे कहते हैं। क्वेश्चन आंसर आ गया। धमनी किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है बताएं। हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है, धमनी सिरा। धमनी रक्त की कोशिकाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। रक्त का ग्राही तेजी से और अधिक दाब पर होता है। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती है। धमनी में स्पंदन होता है, फेफड़ा धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे सीरा नहीं धमनी कहते हैं। धमनी के रक्त का प्रवाह हृदय के सभी अंगों में होता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न धड़कन हृदय दर को बताती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो गया। स्क्रीनशॉट लेते चले आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि सीरा को परिभाषित कीजिए एवं यह धमनी से कैसे भिन्न है। सीरा रक्तवाहिनियां है। सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है। ठीक है, धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध होती हैं, जबकि सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती हैं। धमनियों के
द्वारा रक्त प्रवाह की दिशा शरीर के सभी अंगों में वापस हृदय की ओर होती है, अर्थात ठीक एक दूसरे से के विपरीत होते हैं। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती है, जबकि सिराएं पतली होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। गुर्दे का मुख्य कार्य बताइए। देखिए, गुर्दे का मुख्य कार्य पूछा जा रहा है। गुर्दा या किडनी शरीर के पानी और नमक की मात्रा को संतुलित रखना तथा रक्त को शुद्ध करना और मूत्र को मूत्रशय में पहुंचाता है। किडनी की आकृति सेम जैसी होती है। जब रक्त गुर्दा में पहुंचता है तो इसमें हानिकारक और उपयोगी दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है और हानिकारक पदार्थ जल में घुलकर मूत्र के रूप में अलग हो जाता है और मूत्रशय में पहुंच जाता है। यह एक उत्सर्जन तंत्र है, मानव के लिए उपयोगी है। इससे इसके खराब होने पर हम ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अपशिष्ट पदार्थ क्या है? इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने वाले उत्सर्जन अंगों के नाम बताइए। श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो अपशिष्ट पदार्थ है। इसी प्रकार भोजन के अपचित भाग अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। हमारे शरीर की कोशिकाएं जब अपना कार्य करती हैं तो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ विषैले होते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। याद रखिएगा, रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालना जरूरी है। उत्सर्जन करने वाले अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। गुर्दा, मूत्रशय, मूत्रवाहिनी उत्सर्जन के अंग हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा। हृदय स्पंदन से आप क्या समझते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय स्पंदन की संख्या बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हृदय वक्ष गुहा में स्थित है। इसकी दीवारें मांसपेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। लयबद्ध सिकुड़ने और फैलने की क्रिया मिलकर हृदय स्पंदन कहलाती है। हृदय स्पंदन प्रत्येक क्षण होता रहता है। धीरे हृदय धड़कन को महसूस कर सकते हैं। डॉक्टरों द्वारा हृदय स्पंदन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यंत्र का प्रयोग करते हैं। प्रतिदिन हृदय लगभग 1 लाख बार धड़कता है। हृदय मानव का महत्वपूर्ण अंग है। धड़कन रुकने का मतलब है मृत्यु। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन था। किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकता है 81 78 78 16 11। मिल जाएगा इसका पीडीएफ क्वेश्चन आंसर का। तो देते हैं पहले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू। जय हिंद।